हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पद की जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में जानेंगे कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी फ़ीस लगेगी, आपकी एज कितनी होनी चाहिए और कितनी सैलरी आपको मिलेगी और टोटल कितने पद हैं। तो अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं, आपका एनरोलमेंट एज एडवोकेट स्टेट बार काउंसिल में है, तो आपके पास एक सुनहरा मौका है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनने का। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है इस पद के लिए, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकली है इसके पहले भी निकली थी और इसकी डेट काफ़ी पहले ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर से इस वैकेंसी को जो है एक हफ्ते के लिए ओपन किया गया है, आपसे फिर जो है अप्लीकेशन मांगे गए हैं। तो इसलिए अगर आपने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा है तो अच्छा मौका है, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। एक हफ्ते का समय जो है आपको फर्दर जो है हरियाणा पीएससी की तरफ से मिली है। तो चलिए जान लेते हैं डिटेल में इस वैकेंसी में क्या क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये वैकेंसी निकली है। टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें तो 112 पोस्ट हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ग्रुप बी की। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हरियाणा के तरफ से जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में आपके पास किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद से आपका जो है इनरोलमेंट एज एडवोकेट बार काउंसिल में होना चाहिए। तीसरा जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, आपके पास हिंदी या संस्कृत हाई स्कूल में या इसके हायर जो है क्लासेज है उसमें होना अनिवार्य है। तो ये तीन मेन जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपके पास होना चाहिए, तभी जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस पद के लिए आप जो है कब से कहाँ कब तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ आप देख लीजिए 30/5/2023 से 5/6/2023 तक जो है आप 5 बजे तक जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जो है 1000 रुपये है जनरल ओबीसी जो मेल कैंडिडेट हैं, और 250 रुपये जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए है। तो आप जो है इसको ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन जो फ़ीस है इसका पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसके बारे में दिया हुआ है, मेल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये है और फीमेल के लिए 250 रुपये। 1000 जो फीस है मेल के लिए वो हरियाणा वालों के लिए भी है, और जो हरियाणा के बाहर के लोग हैं अदर स्टेट के हैं उनके लिए भी जो है 1000 रुपये जो है फ़ीस रखी गई है। जनरल जो कैंडिडेट हैं और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं 1000 रुपये फ़ीस है, और फीमेल की बात करें तो चाहे वो हरियाणा की हों या अदर स्टेट की हों उनके लिए 250 रुपये फ़ीस रखी गई है। तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हम एज की बात करें तो कितने से कितने एज वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो देखिए मिनिमम जो एज है वो 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 42 साल होनी चाहिए। यानी कि 21 साल से कम और 42 साल से अधिक की आयु आपकी नहीं होनी चाहिए, तभी जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये जो डेट काउंट होगा वो 28/3/2023 तक ही काउंट होगा, यानी 28/3/2023 तक जो है आपकी उम्र 21 साल से अधिक होनी चाहिए, या 28/3/2023 तक आपकी जो एज है वो 42 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये एसेंशियल जो क्वालिफ़िकेशन है, एसेंशियल जो चीज़ें हैं आपके लिए अनिवार्य हैं फॉर्म को भरने के लिए। बाकी डिटेल में जो है आप देखने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक शेयर करूंगा, वहां पर जा करके आप डिटेल में इस विज्ञप्ति को वहां पर देख सकते हैं, उसके बाद से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चूंकि समय भी काफ़ी कम है, एक हफ्ते का समय लगभग आपको दिया गया है, ये फॉर्म जो है रीओपन हुआ है, दोबारा ओपन किया गया है, तो अच्छा मौका है। अगर आप जो है एक लॉ ग्रेजुएट हैं, आप जो है एज एडवोकेट एक स्टेट बार काउंसिल में इनरोल्ड हैं, तो आप जो है इसको भर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन ये है कि हाई स्कूल में या इससे हायर जो क्लासेज हैं वहाँ पे आपकी जो है आपके पास हिंदी या संस्कृत में कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये मेन तीन एसेंशियल जो है क्वालिफ़िकेशन आपसे मांगा गया है। बाकी आयु मैंने आपको बता दिया कि 21 साल से कम और 42 साल से अधिक नहीं होना चाहिए,
फीस भी मैंने आपको बता दिया। डिटेल में एडवर्टाइजमेंट आप देखने के लिए जो है मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है हरियाणा पीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इस विज्ञप्ति को डिटेल में देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें इस वीडियो में बताया हूँ आप समझ गए होंगे। इस विज्ञप्ति संबंधित अगर और भी कोई सवाल आपके मन में है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।